दसवीं कुल हिंद सनती नुमाइश में आज बरोजे मंगल यौम खवातीन लेडीज डे के तहत खवातीन को दाखिला दिया गया। चुनांचे इस सिलसिले में सेक्रेटरी साईनाथ शास्त्री ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। उन्होंने कहा कि नुमाइश तकरीबन 100 साल से जारी है। इस एग्जीबिशन में मुल्क भर की तमाम रियासतों के कारोबारी अपनी अपनी अशिया की स्टॉल्स लगाते हैं। इसका मकसद एक ही प्लेटफॉर्म पर तमाम कारोबारियों को जमा किया जा सके और रियासत और मुल्क की हम अकसाम की मसनूआत और दीगर अशिया रखी जा सकें और कारोबार में इजाफा हो। साईनाथ शास्त्री ने इस सिलसिले में मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। आदाब, मेरा नाम साईनाथ दयाकर शास्त्री है। मैं हॉनररी सेक्रेटरी ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी का हूँ। एग्जीबिशन के ताल्लुक से ये एग्जीबिशन 1932 में शुरू हुआ पब्लिक गार्डन में। इस वक्त वहाँ से 1946 में यहाँ पर अपने नामपल्ली में एग्जीबिशन शुरू हुआ। ये 1 जनवरी 2023 से लेकर 15 फरवरी 2023 तक चलेगा। 46 दिन का प्रोग्राम है ये। ये हर साल चलेगा। लास्ट दो साल से गुज़िश्ता दो साल से कोविड के वजह से ये बंद था ने? जब लास्ट ईयर तो थोड़ा कम हुआ एग्जीबिशन का आना जाना लोगों में। ये आज का दिन लेडीज़ डे है और लेडीज़ डे के दिन सिर्फ जनाना लोगों को ही अलाउ करते हैं, जेंट्स को मर्दों को अलाउ नहीं करते हैं। उसके लिए क्या खर 5 से 12 साल के अंदर तक अलाउ करते हैं, उसके ऊपर अलाउ नहीं करते। इसके लिए इकदामात वगैरह कुछ करें? अगर कोई ज़िद करे कि मेरा बच्चा 12 साल से छोटा है बोलो तो जब हम लोग क्या करते आईडी प्रूफ लाओ बोलते, बस उतनी। और स्टाफ कितने लगाए? इसमें 2300 के करीब में और स्टाफ आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। 2300 तक तो स्टाफ है। ये एग्जीबिशन चालू हुआ है 100 स्टाफ से, 100 स्टाफ से आज ये 2400 तक आ गया। 23-24 तक तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर 2300 तक आए। ऑलमोस्ट कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से इधर पूरा ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया आते हैं हमारे पास। थोड़ा वजह से थोड़ा हमारे को फ़र्क पड़ा। हमारे पास 19 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर 30,000 गर्ल्स को एजुकेशन देते हैं, हम लोग तालीमात देते हैं। इसमें करीब 2000 20,000 के करीब एम्प्लॉइज टीचिंग स्टाफ है।